हमने पेपर लीक हुए तो हमने पेपर को कैंसिल किया हिम्मत करके, चाहे नाराज भी हुए होंगे घुमरा करने के लिए। इनके पास है क्या सामान? इनके पास कोई सामान है ही नहीं बीजेपी के पास में, बस सिर्फ गाली गलौज करो, झूठे आरोप लगाओ, इसके अलावा कोई नहीं। वो तो मेरा बेटा वैभव गलौज तो आप जानते हो, मुझे गणेश युद्ध नहीं आप लोगों को, क्योंकि जो हालात देश के हैं, अगर गोदी मीडिया छोड़ दें, गोदी मीडिया को लेकर जो बोलते थे कई लोग, अच्छा नहीं लगता उन लोगों को, पर ये हकीकत है इस देश के अंदर, जिस प्रकार से लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जब अगर आप दो शब्दों में सब बता देते वैसे तो इसमें कहीं युद्ध नहीं है, तो ऐसे वक्त में आज देशवासी समझ गए कि वो क्या रहा है। आज जो ये प्राइम मिनिस्टर जी और हमारे अमित शाह जी जो बाता काम ले रहे हैं, ये भी बुकला ही बाता इनकी है। ये जो है जिस पर आप बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है लोगों के अंदर बोलने का। ये रातनवा के क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए या बनाने के लिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री स्तर के आदमी अगर ये कहे कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को बढ़ाने के लिए या काम करे, पता नहीं क्या बोले होंगे वो, भगवान जाने। वो तो मेरा बेटा वैभव गलौज तो आप जानते हो, मुझे गणेश युद्ध नहीं आप लोगों को, अब मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं कभी आज तक उसके लिए सोचा नहीं है, आगे मैं ध्यान रखूँ उसका, क्योंकि ये जो मुझे इस बात को कहते लगता है दुख भी होता है कि कल विपक्ष के लोग बोले थे हाउस के अंदर इनको भंग कर दो, मुझे अफसोस होता है कि आप इतने राजनीति में मंत्री रहे हो या नहीं रहे हो, जो भी है नेता लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आदमी को कि ये संविधान के अंतर्गत बॉडी बनी हुई है, कोई भंग कर नहीं सकता इसके अंदर, ये तो नॉलेज होनी चाहिए आदमी को। वो ऐसे सवाल उठाते हैं उनका क्या जवाब दें बताओ। हाँ ये बात है, हम चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस कल पास किया हम लोगों ने, ये जो उनको सजा बढ़ाने का आजीवन कारावास का, तो मामूली बात तो नहीं है। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ ये कानून बना मेरे ख्याल से संभव है, तो हम हर कदम उठा रहे हैं जिससे कि पेपर लीक बीमारी नहीं हो। अब क्या होता है, जो काम हम कर रहे हैं, करीब 3 लाख से अधिक नौकरी हम दे रहे हैं, वो बात तो पीछे चली जाती है बच्चों को गुमराह करने के लिए। इनके पास है क्या सामान? इनके पास कोई सामान है ही नहीं बीजेपी के पास में, बस सिर्फ गाली गलौज करो, झूठे आरोप लगाओ, इसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए ऐसी बातें लेके आते हैं। इनको पूछो भाई आपने क्यों नहीं किया आज तक बात? आपके वक्त में पेपर लीक हुए थे, हमने पेपर लीक हुए तो हमने पेपर को कैंसिल किया हिम्मत करके, चाहे नाराज भी हुए होंगे लोग। वो क्या करते थे, पेपर लीक हो गया है छिपाते थे और नौकरी दे देते थे लोगों को उनके वक्त में, एक दो बार कैंसिल हुए होंगे उनके। किस राज्य में हाईकोर्ट ने कहा था हमने बगैर कहे हुए किया है। गुजरात यूपी कौन सा राज्य ऐसा देश के अंदर आर्मी के अंदर जुडिशरी के अंदर पेपर आउट हो रहे हैं? हमने यहाँ कम से कम 200 लोगों को पकड़ा है, जिलों में भेजा है, यहाँ पर जितना कड़ी कार्रवाई हमने करी है किसी राज्य ने नहीं करी है। कल हमने आजीवन कारावास की बात कर ली, हम पूरा वो काम करेंगे जिससे कि क्रेडिबिलिटी जमी रहे। ये हम जानते हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं, हमने उनके लिए सब कुछ जान लगा दी, बसें फ्री कर दी उन लोगों के लिए, प्राइवेट बसों के लिए हमने किराए करी उनके लिए, खाने पीने की व्यवस्था करी है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। हमने यानी व्यवस्था करवाई हमने कलेक्टर क्या करके, 26 लाख बच्चे ज्यादा हैं, ध्यान रखो इनका। अब पेपर लीक हो गया वो बात तो चिप गई और फिर वो चल जाते।